वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिल्कुल एक नई वीडियो में। तो भाई ये रही अपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू राजस्थानी कटर थ्रेशर, जो कि दोस्तों अजीतगढ़ की नेशनल कंपनी की थ्रेशर मशीन है। तो इसका जो है ना छोटा सा रिव्यू करेंगे और इस मशीन में जो है क्या कुछ अपने को देखने को मिलता है वही सब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे इसमें तो काफ़ी बड़े साइज में जो अपने को एलिवेटर देखने को मिलेगा। 3 स्टेप में दोस्तों इस एलिवेटर को जो है अपने एडजस्ट कर सकते हैं और ट्रॉली में जो है सीधा माल लोड कर सकते हैं। इस साइड में देखेंगे अपन तो काफ़ी बड़ा जो है इसमें टूल बॉक्स अपने को देखने को मिलता है, जिसमें कि अपने इसका क्रॉस वगैरह ब्लेड और मशीन के जो है टूल रख सकते हैं। यहाँ से ऊपर से कुछ इस तरीके की मशीन दिखाई देती है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया मशीन है। और दोस्तों स्पेशल गीले माल के लिए जो है अपने इस मशीन को मंगाया है। तो टायर साइज भी दोस्तों इसमें काफ़ी बड़े दे के रखे, 8, 25, 20 का जो इसमें टायर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर अंदर देखेंगे आप तो एक साथ में दोस्तों 3 चन्ने भी जो है अपन इस मशीन में लगा सकते हैं, ताकि अधिक जो है क्लीनिंग मिल सके अपन को। तो इस साइड में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो है अनाज वगैरह जो गिरता है अपना पट्टे पे वो एक साइड में दोस्तों जमा हो जाता है। यहाँ पे सिस्टम देखे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो इसका हेड है दोस्तों। और यहाँ से जो है ना अपन बड़ी फसल जैसी मक्का हो गई वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और इस मशीन में दोस्तों मल्टी स्पीड गेयर बॉक्स दे के रखा है, यहाँ से जो है अपन अपना जो बचा कुचा अनाज है वो भी डाल सकते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। और इसमें दोस्तों अपन को जो है 4 फैन देखने को मिलते हैं इस मशीन में। ये तो दोस्तों 3 फैन हो गए अपने भूसे के, चौथा दोस्तों ड्रम पे लगा है, यहाँ से भी दोस्तों ये मशीन भूसा फेंकता है। और गीले माल वाला मशीन है दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूँ, ये जो मशीन स्पेशल गीले माल के हिसाब से जो अपन ने मंगाया है। यहाँ से जो है ना अपन इसकी पुली के एडजस्टमेंट कर सकते हैं ट्रैक्टर के RPM के हिसाब से, 1000 या 540, यहाँ से जो इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है दोस्तों। इसमें सब पुली वगैरह जो है देख के रखिए, काफ़ी सिंपल है, इतना कुछ विशेष है नहीं यहाँ पे। अब दोस्तों इसके बात करें ये व्हील की, जो फ्रंट व्हील लगा है इसमें, इसमें जो है करीब करीब 2 क्विंटल के आसपास जो ये व्हील लगा है दोस्तों, तो काफ़ी हेवी मशीन है दोस्तों ये। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में दोस्तों मशीन को बनाया हुआ है। हिच वगैरह देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो इसमें फिक्सेड हिच देखने को मिलेगा अपन को इस मशीन में। और जो मशीन है काफ़ी फिनिशिंग में बनाई हुई है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ इसके सेटिंग वगैरह है दोस्तों। अपने इसके जो फैन की जो RPM है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी घुमाव जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस साइड से देखेंगे आप तो यहाँ पे इसमें जो है 3 फैन देखने को मिलेंगे अपन को। अपन चाहो दोनों साइड से जो इस मशीन से माल निकाल सकते या भूसा निकाल सकते, ये वाली साइड और अगली साइड। यहाँ पे जो इसमें चुस्की सिस्टम भी दोस्तों देखने को मिलता है, ताकि जो अपने अनाज में लकड़ी वगैरह आती है छोटी मोटी वो जो यहाँ से उठाती है। और काफ़ी क्लीन दोस्तों ये मशीन माल निकालती है। हमने जो इससे गीली मक्का भी निकाली है और सोयाबीन भी निकाली है, दोनों चीज़ में दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से ये मशीन चलती है। आगे दोस्तों हम जैसा जैसा माल निकालेंगे इस मशीन से उसकी जो वीडियो अपने चैनल पे आती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से करना। और अपन जो है ना एलिवेटर से चाहो तो एलिवेटर से माल ले सकते हैं, अगर एलिवेटर की अपन को ज़रूरत नहीं है तो एलिवेटर अपन बंद कर सकते, अपन एलिवेटर से जो है कट्टे भी जो है भर सकते। तो इसमें काफ़ी सारे जो है ना अपन को फंक्शन जो है देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से अपन यूज़ करना चाहते उस तरीके से अपन इस मशीन का जो है यूज़ कर सकते। बाकी दोस्तों मशीन जो है काफ़ी बढ़िया है, नेशनल कंपनी की मशीन है और फिनिशिंग भी काफ़ी, और जो लोहा है वो काफ़ी मजबूत जो इस मशीन में यूज़ किया है। चद्दर की बात करो दोस्तों तो इसमें जो है मछली वाली जो चद्दर है अपनी हेवी दोस्तों, जिस तरीके से अपनी गाड़ियों में यूज़ होती है उस तरह की जो है चद्दर इस मशीन में यूज़ की हुई है। और चीज़ भी देखेंगे अब तो काफ़ी जो है ना मोटा चीज़ है दोस्तों, डबल चीज़ के अंदर ये मशीन जो है अपनों को देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों बात करेंगे मशीन की तो मशीन काफ़ी बढ़िया ही है। अगर इस साइड से देखेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से ये मशीन दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अपन तो इसमें कुछ सिस्टम वगैरह देख के रखा है, इसके फैन के जो अपन अपनी फसल के हिसाब से जो है हवा का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा कर सकते। और यहाँ पर कुछ इसकी सेटिंग वगैरह देख के रखी है बेल्ट की, जिसके सहारे जो है अपन अपनी थ्रेशर को जो है कम ज़्यादा घुमा सकते RPM के हिसाब से। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें जो बेल्ट वगैरह जो ही देख के रखे। तो दोस्तों इस मशीन की अगर बात करो तो स्पेशल गिल्ला माल निकालने के लिए हमने इस मशीन को मंगाया है, और काफ़ी गिल्ली जो है ना मक्का हमने इस मशीन से निकाल के देखी, बहुत ही क्लीन जो है माल निकाल रही थी मशीन और एक नंबर चल रही थी दोस्तों। बहुत ही कम वाइब्रेशन है दोस्तों इस मशीन में, ना के बराबर, और काफ़ी साइलेंट दोस्तों मशीन चलती है। बाकी देख सकते हैं नेशनल कंपनी, इस पर जो इसका बोर्ड वगैरह भी लगा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन प्लेट इसकी। तो यहाँ से जो है अपन इसके गियर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और
इस साइड में देखेंगे आप तो इसमें जो है एक दो और तीन, तीन दोस्तों भूसा फेंकने के, और ऊपर दोस्तों एक ड्रम पे लगाए, ये चार चार तो दोस्तों फैन देखने को मिलेंगे अपन को। हवा के क्लीनिंग के दोस्तों अलग फैन है, यहाँ से जो अपना माल नीचे गिरता है वो अपन डाल के जो है क्लीन कर सकते हैं। बाकी टायर साइज़ भी देख सकते हैं इसमें, इसमें जो है 8, 25, 20 का दोस्तों काफ़ी बड़े साइज में जो है अपन को टायर देखने को मिलता है। गियर की बात करेंगे दोस्तों, इसमें तो मल्टी स्पीड गियर बॉक्स दे के रखा है इस मशीन में। नीचे से देखेंगे आप तो काफ़ी हाइट है दोस्तों मशीन की, यानी नीचे जो एलिवेटर वगैरह जो है टकराने की बहुत ही कम शक्यता है इस मशीन की। और एलिवेटर भी दोस्तों अंदर दे के रखा है मशीन के, यानी जो है बाहर से जो है पेड़ वगैरह को लगने का काफ़ी कम चांसेस है, यानी अपनी मशीन में जो है किस तरह की समस्या जो है अपन को देखने को नहीं मिलती। और बहुत हाइट पर दोस्तों मशीन बनाई हुई है, तो नीचे जो है मशीन लगने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता इसका। हालांकि फिर भी जो है अपन अपने देख कर चलाना चाहिए ताकि मशीन जो है नीचे से ना लगे। और पीछे दोस्तों काफ़ी बड़ा जो है ना प्लेटफॉर्म दे के रखा है, यहाँ पे दो लेबर जो है बहुत आसानी से जो इस पर खड़े रह सकते हैं दोस्तों, खुला डुला एकदम प्लेटफॉर्म है। तो इसका जो हेड है दोस्तों ये 14 इंची का हेड अपन को इस मशीन में देखने को मिलेगा, 5 लोलर के साथ में दोस्तों ये मशीन है। और गीला माल भी काफ़ी अच्छे से जो है मशीन अंदर खींचती है, यहाँ से जो है अपन मक्का वगैरह डाल सकते हैं। और दोस्तों 4 ब्लेड की मशीन है, इसमें जो गियर बक्सा है ये मल्टी स्पीड गियर बक्सा अपन को देखने को मिलेगा, रिवर्स फॉरवर्ड 1 2 3, फसल के हिसाब से जो है अपन इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन की जो है अगर आपको चलते हुआ वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करना, अपन जो है अभी इसको टूर के इसमें जो है यूज़ करने वाले हैं इस मशीन को। अभी तो हाल फिलहाल जो है हमारे यहाँ पे थोड़ा काम बंद है, क्योंकि बारिश दोस्तों गिरा है हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और जो फसल है मक्का वगैरह जो है गीली हो चुकी है, तो अभी जो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है दोस्तों उसको निकालने में। बाकी इसके चानने वगैरह भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मशीन काफ़ी बढ़िया है, इसका जो है मैं आप लोगों को चलते हुए भी जो एक बार वीडियो बना के बताऊंगा किस तरीके से मशीन चलती है और किस तरीके से जो है माल वगैरह निकालती है। तो अभी जो है हमने इसको 2 फसल में यूज़ करके देखा है, एक मक्के की और एक सोयाबीन की। मक्का जो है हमने सीधा जो है चारे के साथ में दोस्तों सब, यानी अक्खा जो मक्का रहता है पूरा की पूरा पेड़ के साथ में दोस्तों निकाला है, इससे काफ़ी बढ़िया ये मशीन निकालती है और गीला भी माल बहुत अच्छे से मशीन निकालती है। दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में, यहाँ से जो है अपन भुट्टा वगैरह डाल सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।